हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है। इससे पहले हम जो अभी हमारा जो लेक्चर चल रहे हैं वो पार्लियामेंट के ऊपर चल रहे हैं। पार्लियामेंट में ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट, कंडक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और पूरा हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, एंड जिसको हम ऑर्डिनरी एक लेमैन की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एक बिल है वो लॉ कैसे बनता है, पार्लियामेंट में कौन से प्रोसीजर के तहत कोई कानून बनाया जाता है, उसकी क्या क्या स्टेजेस होते हैं, कैसे कैसे वो कानून बनता है, तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि ऑर्डिनरी बिल का क्या प्रोसीजर है, जो एक साधारण बिल है उसका क्या प्रोसीजर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। रिक्वेस्ट सभी से यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने जैसे देखा कि लेजिस्लेटिव प्रपोजल हैं उनको पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है बिल के रूप में। किसी सब्जेक्ट पे अगर कोई लॉ बनाना है, कोई एक्ट बनाना है, तो उसको लेजिस्लेटिव प्रपोजल बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव प्रपोजल है वो पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है तो उसको बिल्स बोलते हैं। बिल की फॉर्म में वो रखा जाता है, ड्राफ्ट किया जाता है बिल को एक प्रॉपर वे में, जैसे एक एक्ट ड्राफ्ट किया जाता है उसी वे में बिल को ड्राफ्ट करके वो पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। तो बिल की कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं, जो बिल है उसको, जैसे गवर्नमेंट के बिल हैं, जो बिल मिनिस्टर के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट के प्रेजेंट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर होते हैं, जो भी उस टाइम पे चल रही होती है वो, अगर उसके कोई गवर्नमेंट उनको बिल बोलते हैं, अगर कोई मिनिस्टर उस गवर्नमेंट का उस बिल को इनिशिएट करता है, इट मीन्स भी वह बिल है या प्रपोजल है लेजिस्लेटिव, वो पार्लियामेंट के सामने रखता है गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर, तो उसको गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। उसके बाद प्राइवेट मेंबर बिल है, कोई मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है बट पार्लियामेंट का मेंबर है, अगर वो कोई बिल लाता है पार्लियामेंट के सामने, प्रपोजल लेजिस्लेटिव प्रपोजल रखता है, तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। उसके बाद बिल टू रिप्लेस ऑर्डिनेंस प्रमुलगेटेड बाय प्रेसिडेंट व्हेन पार्लियामेंट इन नॉट इन सेशन, कोई बिल आता है जिसको प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया था जब पार्लियामेंट सेशन में ही नहीं, उसको रिप्लेस करना है बिल के साथ, वो बिल की कैटेगरी में आता है। उसके बाद मनी और फाइनेंशियल बिल बिल की कैटेगरी में आते हैं, और बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली ये कैटेगरी हैं जो जिस तरह के बिल हैं वो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन के लिए पेश किए जाते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं। तो जो डिफरेंट स्टेजेस हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में वो हैं, बिल को रिलेटिंग है अदर देन मनी बिल। मनी बिल की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मनी बिल और फाइनेंशियल जो बिल है उनकी बाद में हम बात करेंगे, फिलहाल हम इसमें ऑर्डिनरी जो बिल हैं, साधारण बिल हैं, उसकी बात करेंगे। तो प्रोसीजर क्या है ऑर्डिनरी बिल का। ऑर्डिनरी बिल के लिए एज पर आर्टिकल 107 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि बिल में ओरिजिनेट इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में बिल को रखा जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ए बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शैल नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ ए प्रोग्रेशन ऑफ द हाउस। प्रोग्रेशन ऑफ द हाउस, प्रोप्रगेशन ऑफ द हाउस के कारण बिल पार्लियामेंट में लैप्स नहीं होता। उसके बाद जो प्रोविजन कहती है 107 की, के बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल शैल नॉट लैप्स ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। ये मैं प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले ये दो चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, कि अगर बिल है वो लोकसभा ने पास कर दिया बट राज्यसभा के पास पेंडिंग है, और इन बिटवीन राज्य जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाती है, उसके 5 साल कंप्लीट हो जा रहे हैं या किसी अदर रीजन से वो डिसॉल्व हो रही है, तो जो बिल काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा में पेंडिंग है वो लैप्स नहीं करेगा, वो बिल एज इट ही रहेगा। उसके बाद ए बिल विच इज़ पेंडिंग इन द हाउस ऑफ पीपल लैप्स ऑन द रेजोल्यूशन, बट जो बिल पेंडिंग है पास होने के लिए लोकसभा में ही पेंडिंग है, वो बिल लैप्स हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं जो 3 स्टेजेस हैं वो बिल की पास होने के लिए, एक बिल को एक्ट बनने के लिए 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। इन स्टेजेस को हम रीडिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, ये इसकी आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है कि मिनिस्टर या मेंबर इन चार्ज, मिनिस्टर है जो बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहता है या मेंबर इन चार्ज है जो इस बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहता है बिफोर द हाउस ऑफ,
उसको बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले हाउस की अप्रूवल लेनी पड़ती है कि मैं वह बिल वो इंट्रोड्यूस करना। जो बिल की अप्रूवल मिलती है वो वॉइस के थ्रू ही दी जाती है। स्पीकर हैं वो कंसर्न मिनिस्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए बिल के लिए परमिट करते हैं। उसके बाद बिल की कुछ कॉपीज़ हैं जो सप्लाई की जाती हैं उन मेंबर को, जो मेंबर इमीडिएटली उस पर बिल की प्रोविज़न को रेफ़र करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनको इमीडिएटली बिल की जो कॉपीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द बिल वाइल स्टेटिंग द फीचर ऑफ द बिल। तो फर्स्ट रीडिंग में बिल इंट्रोड्यूस करते समय डिटेल नहीं होगी, डिटेल डिस्कशन नहीं होगी। मिनिस्टर सिर्फ जो फीचर्स ऑफ द बिल हैं क्या क्या उसके हाईलाइट्स हैं वो ही हाउस के सामने अपना रखेंगे। तो इसके बाद जो फर्स्ट रीडिंग है वो ख़त्म हो जाती है। फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोड्यूस करना बिल को, उसके बाद उसके जो फीचर्स हैं मेन हाईलाइट्स हैं उनको हाउस को बताना। इसके बाद जो फर्स्ट रीडिंग है बिल की वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो बिल की आती है वो है सेकंड रीडिंग। ये एक कंसिडरेशन होती है बिल पे विचार विमर्श के लिए सेकंड रीडिंग आती है। इस स्टेज को फर्दर 3 स्टेज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट स्टेज में ऑन अ फिक्स डेट फॉर टेकिंग अप द बिल फॉर डिस्कशन, जिस दिन बिल पे ऊपर डिस्कशन होनी है एक जनरल डिस्कशन होती है ऑन द प्रिंसिपल के ऊपर। आठ दिस स्टेज 3 ऑप्शन आर ओपन टू द हाउस। इस स्टेज पे 3 ऑप्शन हाउस के पास हैं, या तो वो स्ट्रेट वे बिल को कंसिडरेशन में ले ले, या वो स्टैंडिंग कमेटी को भेजे, या वो लोगों को सर्कुलेट करे उनके ओपिनियन के लिए। इमीडिएट कंसिडरेशन ऑफ द बिल बाय हाउस इज रेयर एक्सेप्ट इन अर्जेंट मैटर। इमीडिएट कंसिडरेशन है वो रेयरली होती है, बहुत कम केसेस में होते हैं। जहाँ पे अर्जेंसी ऑफ मैटर इन्वॉल्व है तो वहाँ पे स्ट्रेट वे उन बिल को कंसिडरेशन में लिया जाता है। अदरवाइज बिल को स्टैंडिंग कमेटी को या पब्लिक को सर्कुलेट किया जाता है पब्लिक के ओपिनियन के लिए। उसके बाद जो आती है वो है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में जब अगर बिल कमेटी को भेजा जाता है तो कमेटी एग्जामिन करती है क्लॉज बाय क्लॉज उस बिल को, और सारे डॉक्यूमेंट जो सपोर्टिंग है या कुछ और डॉक्यूमेंट कमेटी को चाहिए, या कमेटी किसी भी पर्सन को जो रिलेटिंग उसको इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकती है। उसके बाद कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट है वो ड्राफ्ट कर देती है। तो सेकंड रीडिंग में थर्ड स्टेज जो आती है वो है कि डिस्कशन होता है कि जो रिपोर्ट कमेटी ने बनाई है उसके ऊपर क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन होती है। जब भी कोई क्लॉज डिस्कस हो रही होती है तो उस क्लॉज को अमेंडमेंट के लिए टेकअप किया जा सकता है और उसके ऊपर हाउस के द्वारा वोटिंग हो जाती है। जब सारी क्लॉजेस हैं, शेड्यूल हैं, बिल का टाइटल है वो सारे हैं, वो डिस्कस हो जाते हैं, उसके बाद बिल को वोटिंग के लिए डाला जाता है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है, तो इसके साथ ही सेकंड रीडिंग है वो ओवर हो जाती है। वोटिंग के बाद सेकंड रीडिंग है वो ओवर हो जाती है। उसके बाद आती है थर्ड रीडिंग। ये नेक्स्ट स्टेज है थर्ड रीडिंग सेकंड स्टेज के बाद। इसमें जो मेंबर इंचार्ज है जिनने बिल इंट्रोड्यूस किया था वो मूव करते हैं उसके सामने बिल बी पास्ट, बिल को पास किया जाए। उसके बाद जो डिबेट होती है वो एक रिस्ट्रिक्टेड मैनर में होती है, क्लॉज बाय क्लॉज उसके ऊपर डिबेट नहीं होती, क्योंकि क्लॉज बाय क्लॉज जो डिबेट है वो सेकंड रीडिंग में हो चुकी होती है। थर्ड स्टेज में बिल में एक रिस्ट्रिक्टेड मैनर में ही बात होती है, जिसमें जो मेंबर्स हैं वो या तो बिल की सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट करते हैं या बिल को रिजेक्ट करने के लिए आर्ग्यूमेंट करते हैं। अगर इस स्टेज पे थर्ड स्टेज पे बिल को पारित कर दिया जाता है तो वो बिल है दूसरे हाउस को भेजा जाता है। एक हाउस के द्वारा बिल को पास किया गया वो बिल वो दूसरे हाउस को भेजा जा सकता है, तो दूसरा हाउस भी जो है वो सेम ही स्टेजेस के ऊपर प्रोसीडिंग करेगा जो कि एक हाउस ने की है। जो स्टेजेस एक हाउस के हैं वो स्टेजेस सेकेंड हाउस के भी आती हैं बिल को पास करने के लिए। अगर बिल सेकंड हाउस भी पास कर देता है तो बिल को प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भेजा जा सकता है। बट अगर बिल अदर हाउस है अमेंडमेंट के लिए अमेंडेड करता है, अगर दूसरा हाउस बिल में कुछ अमेंडमेंट करता है तो वो बिल उस हाउस को वापस जाएगा जिस हाउस ने वो बिल इनिशिएट किया। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर लोकसभा में हाउस ऑफ पीपल में कोई बिल इनिशिएट हुआ है, हाउस ऑफ पीपल में लोकसभा में बिल पास होकर राज्यसभा में गया और राज्यसभा में कुछ अमेंडमेंट की जाती है, तो वो बिल है ओरिजिनली लोकसभा में वापस आएगा। इफ़ द हाउस ओरिजिनेटिंग द बिल डज नॉट एग्री ऑन द अमेंडमेंट, और जिस हाउस ने फॉर एग्जाम्पल लोकसभा से बिल गया तो लोकसभा के पास बिल वापस आ गया अमेंडमेंट के लिए, बट अमेंडमेंट के लिए वो एग्री नहीं करते, या जो फर्दर अमेंडमेंट करते हैं उसके ऊपर दूसरा हाउस है वो एग्री नहीं करता, तो ये मान लिया जाएगा कि दोनों हाउस उस बिल के ऊपर डिसएग्री हैं,
दोनों हाउस का कोई आपस में एग्रीमेंट नहीं है उस बिल की प्रोविज़न को लेके। उसके बाद अगर दोनों का एग्रीमेंट नहीं है तो जॉइंट सिटिंग की प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 108 108 में जॉइंट सिटिंग की प्रोविज़न दी गई हुई है। इन दिस केस डिसएग्रीमेंट बाय बोथ द हाउसेस एंड अ सिक्स मंथ लैप्स आफ्टर द जॉइंट सिटिंग कब होगी, जब दोनों हाउस हैं वो डिसएग्रीमेंट में हो, या एक हाउस को बिल पास करके दूसरे हाउस को भेजे हुए 6 महीने निकल चुके हैं पर उसने बिल ना तो पास किया है, तो इस केस में जॉइंट सिटिंग की प्रोविज़न आर्टिकल 108 में दी गई है। इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जॉइंट सिटिंग बोथ द हाउसेस है उसको समन करे। इसकी जो प्रसाइड करेंगे, इसको प्रसाइड करेंगे सेशन को, वो स्पीकर होंगे, स्पीकर इनको प्रसाइड करेंगे। और जॉइंट सिटिंग में कोई भी अमेंडमेंट प्रपोज नहीं की जा सकती, और इस जॉइंट सिटिंग में अगर जो मेजोरिटी प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर हैं वो बिल के ऊपर एग्री करते हैं तो ये बिल है वो पास समझा जाएगा। और इसके बाद जो आर्टिकल 111 है, 111 111 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहता है कि प्रेसिडेंट की असेंट के बाद ही बिल है वो लॉ बनेगा। When after passing the bill by both the houses, the bill is presented to the president for his assent. दोनों हाउस के बिल को पास करने के बाद बिल है वो प्रेजिडेंट को असेंट के लिए दिया जाता है, तो प्रेजिडेंट कैन असेंट और विद होल्ड हिज असेंट टू ए बिल। प्रेजिडेंट उस असेंट को दे सकते हैं या उस असेंट को विद होल्ड कर सकते हैं, या वो रिटर्न कर सकते हैं बिल को अदर देन मनी बिल। अगर मनी बिल नहीं है, ऑर्डिनरी बिल है या दूसरे बिल हैं उसके लिए वो रिटर्न कर सकते हैं, मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते विद हिज रिकमेंडेशन। अगर प्रेजिडेंट अपनी असेंट दे देते हैं तो बिल है वो एक्ट बन जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ हिज असेंट। इफ द प्रेजिडेंट होल्ड विद होल्ड हिज असेंट, अगर प्रेजिडेंट विद होल्ड करते हैं अपनी असेंट तो ये बिल वहीं ख़त्म हो जाता है। और तीसरी कंडीशन में अगर प्रेसिडेंट है उस बिल को रिटर्न करते हैं हाउसेस को, और हाउस है वो अगेन प्रेसिडेंट को पेश करता है वो बिल, चाहे वो अमेंडमेंट के साथ हो चाहे वो विदाउट अमेंडमेंट के साथ हो, तो प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट हो विदहोल्ड नहीं कर सकते, कैन नॉट विदहोल्ड हिज कंसेंट। यहाँ पे नॉट वर्ड था वो आना था। तो इन द केस ऑफ बिल इज रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव असेंट। अगर प्रेसिडेंट के पास बिल जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेके, तो प्रेसिडेंट बाउंड है कि वो अपनी कंसेंट है उस बिल को दे, सो दैट कि वो बिल है वो एक्ट बन जाए। तो ये थे जो डिफरेंट स्टेजेस थे एक बिल को पारित करने के लिए पार्लियामेंट में। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक फॉर योर सपोर्ट फॉर टू दिस चैनल।